हाउ टू मेक प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर आर्ट। प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर बनाने के लिए आपको पिक्सालेब एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो इजीली आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है, देन यहां पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे सबसे पहले न्यू टेक्स्ट को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इमेज साइज पे क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करके आपको यूट्यूब बैनर सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले कलर चूज करना है, तो इस पे क्लिक करना है, कलर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिंगल कलर आपको ले लेना है, जो भी आपको पसंद हो। राइट एरो पे क्लिक कर देना है, देन इसके बाद आपको बीच वाली एरो पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ से आपको ये वाली पीएनजी ले लेना है, ठीक है। ये पीएनजी लेने के बाद आपको राइट एरो पे क्लिक कर देना है, इसको उंगली से आपको टच नहीं करना है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, रिलेवेंट साइज पे क्लिक करना है और इसको 100% दोनों को कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों इस वीडियो में जितने भी पीएनजी का मैं यूज करूंगा, सारे पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको करना क्या है, इसको लॉक कर देना है। लॉक करने का फायदा क्या होगा, ये इधर उधर मूव नहीं करेगा। अब आपको करना क्या है, इस वाले इंपोर्ट पे क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे जाना है, जहाँ पे भी आपका ये वाली पीएनजी होगी इसको सेलेक्ट कर लेना है और राइट एरो पे क्लिक कर देना है। राइट एरो पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा करना है और कुछ इस प्रकार से लाके ऐसे एडजस्ट कर देना है। अब इसको एडजस्ट करने के बाद आपको इसको भी लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक करने के बाद फिर आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है और आप अपने चैनल का लोगो बना रखे हैं तो लोगो आपको सेलेक्ट करना है, राइट एरो पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे इसको छोटा करना है कुछ इस प्रकार से। छोटा करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे आपको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर इंपोर्ट पे क्लिक करना है और ये वाली पीएनजी आपको लेना है, ठीक है। ये पीएनजी लेने के बाद राइट एरो पे क्लिक करेंगे और इसको छोटा करना है, बिल्कुल छोटा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको लाके इसको एडजस्ट कर देना है। अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर वाली ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे नीचे कलर वाली ऑप्शन में इसको इनेबल कर देना और जो भी कलर आपको रखना है कलर रख सकते हैं और उसके बाद राइट एरो पे क्लिक कर देंगे। राइट एरो पे क्लिक करने के बाद इसको भी आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाली पीएनजी सेलेक्ट करना है और इसको राइट एरो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको रोटेट करना है तो क्रॉप पे क्लिक करना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाली एरो पे क्लिक करेंगे, ये रोटेट हो जाएगा, देन राइट एरो पे फिर दोबारा आपको क्लिक करना है, देन इसके बाद इसको छोटा करना है कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे लाके इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपको इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर इंपोर्ट पे जाना है और यूट्यूब का लोगो आपको लेके आना है, देन इसके बाद राइट एरो पे क्लिक करेंगे और इसको छोटा कर देना है कुछ इस प्रकार से। छोटा करने के बाद यहाँ पे लाके इसको बिल्कुल सेंटर में इसके एडजस्ट कर देना और थोड़ा सा रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, यहाँ पे आपको शेडो वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद राइट एरो पे क्लिक कर देना है। राइट एरो पे क्लिक करने के बाद इसको भी आपको लॉक कर देना है। जो भी काम होता जाए दोस्तों ध्यान रहे आपको लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम लिखना है, तो जो भी आपके चैनल का नाम हो उसको लिख लेना है। उसको लिखने के लिए ए पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस पे आपको डबल टैप करना है और इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेना, जो भी आपके चैनल का नाम हो। तो जैसे मेरे चैनल का नाम है बीके टेक। लिखने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको फ्रंट वाली ऑप्शन मिलेगी डबल ए, आपको इस पे क्लिक करना है और जो भी आपको फ्रंट रखना है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद हो उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे ऊपर आपको कलर वाली ऑप्शन पे जाना है, जो भी कलर आपको रखना है वो कलर रख सकते हैं, तो फिलहाल मैं ये कलर रखूँगा। देन इसके बाद यहाँ पे लाके इसको एडजस्ट कर देना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको राइट एरो पे क्लिक कर देना है, देन इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों फिर आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डबल टैप करना है, इसको डिलीट कर देना और आपको लिखना है फॉलो मी हेयर। आपको फॉलो मी हेयर लिख सकते हैं, फॉलो मी ऑन लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉलो मी हेयर। फॉलो मी हेयर लिखने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर ओके पे क्लिक करना है और इसको ला के यहाँ पे एडजस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको फंड चेंज करना है, तो नीचे जाएंगे डबल ए पे क्लिक करना है, यहाँ पे डबल ए पे क्लिक करना है और जो भी फंड आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक फंड है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद इसको कलर आपको चेंज करना है, तो कलर वाली ऑप्शन ऊपर है,
यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर आपको रखना है कलर रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं येलो कलर रखता हूँ, देन इसके बाद राइट एरो पे क्लिक कर देंगे। राइट एरो पे क्लिक करने के बाद इसको भी आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों फिर आपको बीच वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, इम्पोर्ट पे क्लिक करना है और ये वाली पीएनजी आपको लेके आना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीएनजी लेके आना है और इसके बाद राइट एरो पे क्लिक करना है और उसको कुछ इस प्रकार से छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे आपको लाके एडजस्ट कर देना, ठीक है। अब एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसका कलर आपको चेंज करना है ताकि ये अच्छा लगे, ठीक है। देख सकते हैं पता नहीं चल रहा है, तो कलर चेंज करने के लिए कलर वाली ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देना। अब जो भी कलर यहाँ पे आपको रखना है कलर रख सकते हैं। तो फिलहाल आप चेक करके देख लीजिए कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं तो व्हाइट एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ व्हाइट अच्छा लग रहा है। उसके बाद राइट एरो पे क्लिक कर देना है। राइट एरो पे क्लिक करने के बाद इसको भी आपको लॉक कर देना, ठीक है। दोबारा आपको इम्पोर्ट पे क्लिक करना है और ये वाली पीएनजी आपको सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद फर्स्ट आपको इस पर क्लिक करना है, देन आपको इस पर क्लिक करना है, ये रोटेट हो जाएगा। उसके बाद राइट एरो पे क्लिक करना है और इसको छोटा करना है कुछ इस प्रकार से ताकि ये पतला हो जाए और यहाँ पे आपको लाके एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, कलर वाली ऑप्शन पे इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आपको राइट एरो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और दोस्तों इसको नीचे कर देना है। ये जो मेन अपना पीएनजी है ना उसके नीचे आपको कर देना ताकि ये अच्छा लगे, ठीक है। अब नीचे करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। देन इसके बाद इसको लॉक करेंगे। अब लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लगभग हमारा बैनर बन चुका है, लेकिन एक पीएनजी और आपको लगाना है। वो पीएनजी लगाने के बाद आपका बैनर बहुत ही अच्छा दिखेगा। देन उसके लिए आपको इम्पोर्ट पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे ना तो ये वाली पीएनजी है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये वाली पीएनजी है। इसको रखने के बाद राइट एरो पे क्लिक करेंगे और कुछ इस प्रकार से छोटा करेंगे पहले, ठीक है। छोटा करने के बाद यहाँ पे ऐसे इसको एडजस्ट कर देना। आप ध्यान से इसको एडजस्ट करिएगा, ऐसे आपको एडजस्ट करना है और इसको फूल अपने बैनर के कर देना है। बैनर के फुल करने के बाद आपको इसको भी लॉक कर देना। अब दोस्तों हमारा बैनर बनके तैयार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बैनर है साइड साइड में दोनों तरफ एक लाइन है, तो इसको आपको हाइड करना है अपनी गैलरी में एक्सप्लोर करने से पहले। तो इसके लिए आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, सबसे पहले जो पीएनजी हमने लिया था उसको हाइड कर देंगे। तो हाइड करने के लिए जो आई का आइकन बना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। हाइड करने के बाद इसको बैक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बैनर में जो दो लाइन थी वो गायब हो गया। अब इसके बाद अपने गैलरी में एक्सप्लोर करना है। गैलरी में एक्सप्लोर करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे अल्ट्रा में सेव करना है। आपको ध्यान रहे दोस्तों अल्ट्रा में सेव करना है। अल्ट्रा में सेव करने के बाद आपको सेव एज गैलरी पे क्लिक करके इसको अपनी गैलरी में एक्सप्लोर कर लेना है। अब दोस्तों इस बैनर को आप अपने YouTube चैनल पे यूज कर सकते हैं, काफ़ी प्रोफेशनल और यूनिक दिखेगा। जब भी कोई आपके चैनल पे विजिट करेगा तो काफ़ी अच्छा और यूनिक दिखेगा, इससे आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के यूनिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।